हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक फॉल्ट लेके आया हूँ आपके सामने। देख सकते हैं ये मेरा जो टीवी है, ये टीवी आज पहले अच्छी तरह से चल रहा था, दो दिन से अब भी अचानक से इसमें सब फॉल्ट आ गया कि टीवी में इस प्रकार से मैंने इसे ऑन किया। आपके सिचुएशन में ये फॉल्ट आएगा 100% आएगा, आपको देखना जरूरी है। और जो स्वर्ण पंदेर है वो यहाँ पर ये भी आ रहा है, ट्रैक्टरों के काफिले पिक्चर कुछ भी नहीं, ये भी आ रहा है लेकिन इस पे ब्लू राष्ट्र भी नहीं है और पिक्चर भी नहीं है। तो मैंने इसे डीटीएच को फिलहाल इसे ऑफ किया, ऐसा पकड़ लेते इसके कलर पिन है, मैंने निकाल लिए। देखिए तो जैसे मैंने इसके कलर पिन जो है इसे निकाल लिए तो आपने इस पर ब्लू राष्ट्र जो है आ गया है। इसमें जैसे कलर पिन निकाला तो अपना ब्लू राष्ट्र इसके अंदर आ चुका है। जैसे मैंने इसे लगा दिया तो साउंड का जो है निकल चुका, आप देख रहे हो साउंड आ गया, ब्लू राष्ट्र भी नहीं और पिक्चर भी नहीं, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस फॉल्ट को मैं खोल लेता हूँ फटाफट से और आपके सामने इसे रिपेयर करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। बिना देर करे इसे हम खोल लेते हैं, बंद कर देता हूँ। देख रहे जैसे बंद हो गया अपना टीवी जो है, इस पर ब्लू राष्ट्र आ गया था, इसे मैं थोड़ा साइड में रख चुकी। यहाँ पर हम इसे फटाफट खोल लेते हैं ताकि बिना समय गवाए यहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी होगी और इसके अंदर के टीवी को खोलना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आ जाए किस प्रकार का फॉल्ट इसके अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने इसे खोल लिया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो फॉल्ट है यहाँ पर दिखाई देता है या नहीं। अगर कई कबार ऐसे फॉल्ट होते हैं जो ऊपर से ही नज़र आते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो कहीं पर भी मुझे ये स्पार्किंग वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके कौन से वोल्टेज होते हैं जो टेम्पररी इसके अंदर इन होते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को लगा देता हूँ, तो यहाँ पर 200 के रेंज पर मैं मल्टीमीटर को लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तभी इसे हम यूज़ करेंगे। फिलहाल इसकी ज़रूरत तो मुझे नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वोल्टेज सेम ही होंगे, टीवी ऑन हो रहा है तो वोल्टेज का कोई मसला नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी नहीं आ रही इस कारण से यहाँ पर हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पूरा वीडियो यहाँ पर देखिए ताकि आपको फिलहाल यहाँ पर फटाफट से आपको जानकारी मिले। आप देख सकते हो टीवी जो है अपना यहाँ पर क्लियर दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाता है, सिर्फ चलता क्या है देख सकते हो। जैसे मैंने इसे मारा तो यहाँ पर अपना जो पिक्चर है वो चला जाता है, देखो एक मिनट दिखा दो, अभी चल रहा है देख सकते हो। ठीक है, पहले तो हम इस क्रोमा इसी को शोल्ड करेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने पहले डिसीजन लिया कि इसका जो लूज कॉन्टेक्ट है इसे हम शोल्ड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने किट को हिलाया तो इसका जो पिक्चर है वो बंद हो रहा था, ऑफ हो रहा था। तो पहले तो हम इसे शोल्डर कर लेंगे अच्छी तरह से, अपने क्रोमा आईसी को मैं फर्स्ट में शोल्डर कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पर हम यहाँ पर शोल्डर करेंगे, लेकिन ख्याल रखना ये कहीं पर अपना जो जम्पर है वो शॉर्ट ना हो, नहीं तो हमारा जो क्रोमा आईसी है वो यहाँ पर डैमेज हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसे क्रोमा आईसी को शोल्ड किया और रियल जो फॉल्ट था आप देख लो, यहाँ पर आईने में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि टीवी अपना ऑन हो चुका है। तो मैं अब इसे हिला देता हूँ और देखते हैं कुछ फर्क है क्या डिस्प्ले पर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया है अपना सेट ओके। तो प्रॉब्लम कहाँ पर था, इसका लूज कॉन्टेक्ट का फॉल्ट था, सिर्फ उसमें ही काम करना था हमें, मैंने इसे सिर्फ सोल्ड किया तो अपना जो काम है ये पूरी तरह से यहाँ पर बन चुका है। तो फिलहाल इसका रियल जो फॉल्ट था मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे लगा था तो इस कारण से मैंने शोल्डिंग किया, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो पीएफ था ये पीएफ लूज था, इस कारण से जो फॉल्ट है इस प्रकार का अपने टीवी में आ रहा था। तो आप भी जो है अपना टीवी जो है पूरी तरह से ओके है, चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और नए हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।